पिछले 3 घंटे से हम लोग खड़े हैं इस धूप में, इस गर्मी में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना खुश है, तभी तो खड़े है ना। भांगड़े में आप लोग डांस भी कर रही है? बहुत डांस कर भी कर रहे हैं, क्योंकि खुशी बहुत अतुलनीय है, इसका वर्णन नहीं है, इसीलिए खुशी से हम लोग डांस भी कर रहे हैं। फूल लेकर के खड़ी हैं आप? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे इसलिए बहुत खुश हैं हम लोग। 2 घंटा से 4 घंटे हम लोग इनके डांसर हैं, फूल की डलिया लेकर के हम लोग बहुत खुशी हैं उनको ये स्वागत करने के लिए, फूल बरसाने के लिए। देखिए इधर आरती उतारने का भी व्यवस्था है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया गया है, आज दिल्ली से वो पटना पहुँच रहे हैं और उनके स्वागत में जो महिला हैं वो फूल लेकर के बीजेपी कार्यालय में खड़ी हैं। हम बात करेंगे कि कितना खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इनके भारती हुआ। कितना खुशी है, फूल लेकर के खड़ी हैं आप? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे इसलिए बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। देखिए देखिए उमंग कितना है सबों में, पार्टी कार्यकर्ता में देखिए कितना ज़्यादा लोग उनके स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए एकदम मतलब आतुर है, एकदम आतुर है एकदम। उम्मीद है कि बढ़िया उनके कार्यकाल में काम एकदम जैसा कि उनका अपना रहा है, मतलब अभी तक का सब कुछ वो बहुत बेहतर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर रहे हैं। और हम लोग क्या, हमारे पार्टी के ऊपर माननीय लोग सभी को ही जानते हैं कि उनमें काबिलियत है, तभी उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा रहेंगे। देखिए क्या नाम हुआ? संतोषी कुमारी। कितना खुशी है? बहुत खुश है, बहुत खुश है हम लोग। 2 घंटा से 4 घंटे हम लोग इनके डांसर हैं, फूल की डलिया लेकर के हम लोग बहुत खुशी हैं उनको ये स्वागत करने के लिए, फूल बरसाने के लिए। उनको अध्यक्ष बनाया गया इसलिए कि अच्छा काम करते हैं और करते आ रहे हैं, इसलिए इतना खुशी है नए प्रदेश अध्यक्ष बने। बहुत बहुत खुशी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना खुश है हम लोग कि हमारे नए अध्यक्ष आ रहे हैं और उन्हीं के स्वागत में पिछले 3 घंटे से हम लोग खड़े हैं इस धूप में, इस गर्मी में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना खुश है, तभी तो खड़े है ना। भांगड़े में आप लोग डांस भी कर रही हैं? बहुत डांस कर भी कर रहे हैं, क्योंकि खुशी बहुत अतुलनीय है, इसका वर्णन नहीं है, इसीलिए खुशी से हम लोग डांस भी कर रहे हैं। और पिछले धूप में, इतना गर्मी में हम लोग 3 घंटे से खड़े भी है कि उनका स्वागत करेंगे। कब तक पहुँचेंगे? बस आते आ ही रहे हैं, अब आ ही रहे हैं। हाँ। 3 घंटा से महिला इंतजार कर रही हैं और फूल लेकर के देखिए खड़ी हैं। क्या नाम हुआ मैडम? राम कुमारी देवी। कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। रोहतास जिला से। कितना खुश है नए प्रदेश अध्यक्ष बने? बहुत खुश है। हाँ। बहुत खुश है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर कार्यकर्ता को एक मौका देती है। आज हमारे दिलीप जायसवाल जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बहुत ही हम सारी महिलाएं खुश हैं। खुशी का बयान हम आप लोग से कर भी नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए यहाँ इधर स्वागत हो रहा है, फूल वर्षा हो रहा है, उधर शंखनाद की तैयारी चल रही है और भांगड़ा भी महिला लोग ने किया, आप देखे ही तो काफी आप लोग खुश हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में अच्छा होगा? बिल्कुल, सुलझे हुए इंसान है और हमारे पुराने कार्यकर्ता है, एकदम कार्यकर्ता, और देखिएगा आगे चल के बहुत ज्यादा ये परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा विकसित होने का। चलिए तो रोहतास से आई हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम तो पटना से आए हैं, कंकड़वाल हनुमान नगर से। आप कहाँ से हैं? पटना से ही हैं। चलिए पटना, रोहतास और बिहार के सभी जिला के, दरभंगा से हैं आप? कितना खुश है मैडम? बहुत खुश है और इनके कार्यकाल इतना अच्छा होगा। हम मिथिलानी इस बार भी बहुत जोरदार मान सम्मान दिए हैं और आगे हम लोग भी मान सम्मान देंगे और बदले में हम महिलाओं का भी मान सम्मान मिलने वाला है। और आगे अभी विधानसभा है तो इनके कार्य, ये बहुत अच्छे लोग हैं और परिवर्तन तो संसार का नियम है, एक के बाद एक। तो अभी हमारे नए जो अध्यक्ष जी आ रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, बहुत सुलझे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और राजनीति का बहुत बड़ा इनका पकड़ है और आने वाले कार्यकाल में हम महिलाओं का मान सम्मान और सुरक्षा सारा कुछ मिलने वाला है। चलिए जो महिला है वो खुश है। देखिए अरविंद जी है प्रदेश प्रवक्ता, कितना खुश है अरविंद जी ने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए यह भूतपूर्व क्षण है, यहाँ पर दायित्व बदलते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उल्लास के साथ हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता अपने को आनंदित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक नए उल्लास के साथ हमारे कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में। चलिए तो बोलेंगे हटा दिया गया है उनको, यहाँ पर हटाए नहीं जाते हैं, दायित्व बदलते रहते हैं और सम्राट चौधरी जी बिहार के उप
मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित बड़े नेता हैं। चलिए तो देखिए जो महिलाएं हैं यहाँ पे गुलाब से लिखा हुआ स्वागत का जो बहुत बड़ा अक्षर में वो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब के फूल से, महिला काफी खुश है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? भागलपुर से। भागलपुर से कितना खुश है? बहुत खुश है, आज हमारे नए अध्यक्ष हमारे प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत खुश है क्योंकि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कि एक पद में एक ही लोग हैं रहते हैं और हमारे माननीय जो दिलीप जायसवाल जी हैं उनके आने से संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी और हम लोग उनके दिशा निर्देशानुसार अपना काम करेंगे। उम्मीद है कि बढ़िया उनके कार्यकाल में काम हो। बिल्कुल बिल्कुल कार्यकाल होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हर लोगों को दायित्व बहुत अच्छा देती है जो संगठन के प्रति समर्पित रहते हैं तो निश्चित तौर पे जायसवाल सर भी बहुत अच्छा काम करेंगे और हम लोग सभी मोर्चा के पदाधिकारी उनके साथ मिलकर संगठन को और मजबूती देंगे। तो देखिए इधर आरती उतारने का भी व्यवस्था है, किनको आरती उतारेंगे आप? अपने प्रदेश अध्यक्ष को आरती उतारने के लिए हम लोग खड़े हैं क्योंकि आज एक जो नए दायित्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं उनको आरती और फूल और सम्मान में हर एक चीज लगाए हुए हैं क्योंकि एक अलग मुहिम है क्योंकि वो अध्यक्ष जो है विभिन्न प्रकार के पदों को सुशोभित करते हुए आज उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। एक होता है कि एक महिलाओं में उत्साह है कि अपने भाई का स्वागत करने के लिए हमको खड़े। कितना खुशी है मैडम, कहाँ से आई है आप? बहुत खुश है, हम बांका से आए। बांका से आए हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश। चलिए उम्मीद है कि बढ़िया काम होगा उनके कार्यकाल में। आशा ही है, पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छा काम होगा। पूर्ण विश्वास है। चलिए देखिए पूर्ण विश्वास है, महिला जो है महिला मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता वो स्वागत में खड़ी है, फूल लिए हुए हैं और इधर गुलाब के फूल से स्वागत लिखे हुए हैं सामने देखिए तस्वीरों के माध्यम से लोग हैं वो काफी खुश हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आप क्या सोचते हैं और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं मतदान को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।